कि तुम अब दूर हो या पास, मैं लिखता रहता हूँ। कि तुम अब दूर हो या पास, मैं लिखता रहता हूँ। तुम अनजान हो या खास, मैं बस लिखता रहता हूँ। और इसी डर से कि कोई हाले दिल ना पूछ ले, इसी डर से कि कोई हाले दिल ना पूछ ले, मैं चाहे खुश रहूँ या उदास, मैं खुश दिखता रहता हूँ। नमस्ते, सुने से मेरा नाम पीयूष मुरारका, मैं यहाँ स्टार टुटेल को यो ओपन मेगा पहिलोचोटि आइरहेको छु। मैले जो यस्तो अहिले अस्ति किताब जात्रामा भेटेको थिएँ, अनि यस्तो यस्तो छ भाइ आउनु भनेर भन्नुभएको थियो। एउटा सानो लाइनबाट सुरु गरेँ कि ठिक छ छोटो ल कि ठिक कुरा, एकदम ठिक कुरा कि इधर उधर की बातें सारी इन शब्दों में यूँ लिखता हूँ। कि इधर उधर की बातें सारी इन शब्दों में यूँ लिखता हूँ। मैं कौन हूँ कोई बताओ मुझे, मैं वो नहीं जो दिखता हो। मैं कौन हूँ कोई बताओ मुझे, मैं वो नहीं जो दिखता हो। अब चाहिँ म एउटा कन्टेक्स्ट दिन्छु पहिला यो शायरीको। यो चाहिँ मैले अस्ति भर्खर लेखेको हो, अनि पर्फर्म चाहिँ म फर्स्ट टाइम गरेर हो यो पोएम चाहिँ, यो स्पेसिफिक पोएम। त्यसैले लय कस्तो हुन्छ मलाई अलिक थाहा भएन, तर ट्राई गर्छु राम्रै बनाउन। एउटा मैले लाइन पढाएको थिएँ, त्योबाट इन्सपायर भयो क्या। त्यो लाइन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, क्यों ना बदलू मैं तुम वही हो क्या, क्यों ना बदलू मैं तुम वही हो क्या, चलो गलत हूँ मैं तुम सही हो क्या। क्यों ना बदलू मैं तुम वही हो क्या, चलो गलत हूँ मैं तुम सही हो क्या। अनि योबाट चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ अट्याचमेन्टको बारेमा एउटा पोएम हो क्या है। अट्याचमेन्टलाई चाहिँ उर्दूमा मुन्सलिक भनिन्छ है। कन्टेक्स दिन्छु म, अट्याचमेन्टलाई उर्दूमा मुन्सलिक भनिन्छ, अनि यो पोएमको शीर्षक पनि मुन्सलिक नै हो। अनि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, अब एउटा कपाल छ, त्यो कपालमा एकजना चाहिँ एकदमै धेरै अट्याच छ, एकजनाले चाहिँ अट्याचमेन्ट छैन है। अनि जो जसले चाहिँ अट्याचमेन्ट छैन उसले चाहिँ के लेख्छ भन्दाखेरि, उसले लेखेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, दिल तुम्हारा ये टुट ना जाए ले जाऊ कैसे अब साथ तुम्हें। दिल तुम्हारा ये टूट ना जाए ले जाऊ कैसे अब साथ तुम्हें, तुम मुंसलिक हो हम नहीं अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। कि दिल तुम्हारा ये टूट ना जाए ले जाओ कैसे अब साथ तुम्हें, तुम मुंसलिक हो हम नहीं अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। झूठ का सहारा ले रहा हूँ, झूठ का सहारा ले रहा हूँ अब वादा कैसे वो आगे बढ़े। झूठ का सहारा ले रहा हूँ अब वादा कैसे वो आगे बढ़े। तुम्हारी यादों को अब याद कर रहा हूँ, तुम्हारी यादों को अब याद कर रहा हूँ, देखो हम कैसे मोड़ पे खड़े। इस मोड़ का क्या मतलब है कैसे पढ़ाऊ ये पाठ तुम्हें। इस मोड़ का क्या मतलब है कैसे पढ़ाऊ ये पाठ तुम्हें, तुम मुंसलिक हो हम नहीं अब कैसे समझाओ ये बात। उस पेड़ की छाव में उस दो माले की वाले कैफे में, कि उस पेड़ की छाव में छाव के पास और उस दो माले वाले कैफे में अब भी जाता हूँ तुम्हारी याद लिए। कि उस पेड़ की छाव के पास उस दो माले वाले कैफे में अब भी जाता हूँ तुम्हारी याद लिए। मुंसलिक अगर तुम ना होते तो ले जाता मेरे साथ तुम्हें, मगर तुम मुंसलिक हो हम नहीं अब कैसे समझाओ ये बात। आगे लिखा है कि नजरे मिलाने से घबराता हूँ अब, नजरे मिलाने से घबराता हूँ अब, ये नजरे तुमसे कैसे मिले। कि नजरे मिलाने से घबराता हूँ अब, ये नजरे तुमसे कैसे मिले, क्या हम भी थे कभी मुंसलिक, इसका जवाब अब कहाँ मिले। हार गया मेरा इश्क शायद, हार गया मेरा इश्क शायद, या तुम्हारा कहीं जीत गया। कि हार गया मेरा इश्क शायद या तुम्हारा कहीं जीत गया, ये हार जीत की अलग ही रात जरूर, ये हार जीत की अलग है रात जरूर रुलाएगा ये रात तुम्हें। अब तुम मुंसलिक हो हम नहीं मैं कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। ये एकदमै गंभीर लाइन है एकदमै। कि पहले वादों के लिए वक्त खर्च किया, कि पहले वादों के लिए वक्त खर्च किया, अब याद करने का वक्त नहीं।
पहले वादों के लिए वक्त खर्च किया, अब याद करने का वक्त नहीं। वक्त है जालिम पर हम नहीं, कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। तुम मुनसलिक हो हम नहीं, अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। रातें रोके गुजारी है तुमने, रातें रोके गुजारी है तुमने, हाँ पता है मैंने नहीं। रातें रोके गुजारी है तुमने, हाँ पता है मैंने नहीं। ढूंढ रहा हूँ मुझमें मुझको, जिससे इश्क हुआ था तुमको कभी। ढूंढ रहा हूँ मुझमें मुझको, जिससे इश्क हुआ था तुमको कभी। वो मैं ही था अब बदल गया, नहीं रहा मैं वो शख्स अभी। मैं वही था अब बदल गया, नहीं रहा मैं वो शख्स अभी। वो शख्स को लौट के लाऊं कैसे, ये बात तुम्हें समझाऊं कैसे। ये बात नहीं है समझ में मेरे, ये बात नहीं है समझ में मेरे, कैसे समझाऊं ये बात तुम्हें। तुम मुनसलिक हो हम नहीं, अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। छोटा सा एकदम दो तीन लाइन को कि तुम अब दूर हो या पास, मैं लिखता रहता हूँ। कि तुम अब दूर हो या पास, मैं लिखता रहता हूँ। तुम अनजान हो या खास, मैं बस लिखता रहता हूँ। और इसी डर से कि कोई हाले दिल ना पूछ ले, इसी डर से कि कोई हाले दिल ना पूछ ले, मैं चाहे खुश रहूँ या उदास, मैं खुश दिखता रहता हूँ। और कोई जो कविता सर, शायरी सर, यो चाहिँ लाइक मेरो हिंदीमा पहिलो कविता, पहिलो शायरी, फर्स्ट शायरी। अनि यो मैले फर्स्ट टाइम पर्फर्म गरेको थिएँ, अराउन्ड 2 वर्ष भयो त्यो कुराको। अनि त्यो बेलादेखि अब बिस्तारै बिस्तारै कन्फिडेन्स बिल्ड हुँदै हुँदै अहिलेसम्म यहाँ पुगेको छ। सो के छ कि तेरे बिना अब कुछ भी सुहाना नहीं है, तेरे बिना अब कुछ भी सुहाना नहीं है, ये समझ सके ऐसा ये जमाना नहीं है। कि तेरे बिना अब कुछ भी सुहाना नहीं है, और ये समझ सके ऐसा ये जमाना नहीं है। और मोहब्बत, मोहब्बत तो बहुत है तुमसे, मोहब्बत तो बहुत है तुमसे, बस ये दिल कहता है कि तुम्हें बताना नहीं है। तू जहां रहती है, तू जहां रहती है, अब वो गली मुझे जाना नहीं है। दाइले चौक को कुरा गर्नु भयो, म चाहिँ गलीको कुरा गर्छु। तू जहां रहती है, अब वो गली मुझे जाना नहीं है। तेरे साथ अब ये घर मुझे बसाना नहीं है। और इस दिल ने गिराया है तेरे प्यार में मुझे, इस दिल ने गिराया है तेरे प्यार में मुझे, और अब ये दिल कहता है कि मुझे उठाना नहीं है। एक तरफा प्यार को मेरे, एक तरफा प्यार को मेरे, मुझे यूं जताना नहीं है। एक तरफा प्यार को मेरे, मुझे यूं जताना नहीं है। तेरा ये नशा मुझे यूं लुटाना नहीं है। और दर्द में है, दर्द में हूं, जानती है ये सारी दुनिया। दर्द में हूं, जानती है ये सारी दुनिया, लेकिन दवा अगर तेरे हाथ से ना हो तो मुझे खाना नहीं है। तूने बस, आखिरी पंक्ति है, तूने बस मुझे जाना है, पहचाना नहीं। There's a difference. तूने बस मुझे जाना है, मुझे पहचाना नहीं है। मेरे लिए अब बस तू है, ये जमाना नहीं है। कि तूने बस मुझे जाना है, पहचाना नहीं है। मेरे लिए अब बस तू है, ये जमाना नहीं है। तुझे कैसे सुनाऊं मेरे दिल की ये आवाज, कि तुझे कैसे सुनाऊं मेरे दिल की ये आवाज। मेरी ख्वाहिश बस तुझे चाहना है, तुझे पाना नहीं। कि मेरी ख्वाहिश बस तुझे चाहना है, मुझे पाना नहीं। एउटा शब्द छ काश भन्ने, काश। यो काश शब्दले चाहिँ एकदमै जिन्दगीमा धेरै रायता फैलाएको छ क्या, किनभने अब जे कुरा पनि काश यस्तो भइदियो भने त, काश उस्तो भइदियो भने त्यो, काश यो भइदियो भने त्यो भइदियो भने त्यो भनिन्छ नि होइन, तर हुन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। त्यही बारेमा छ कि सपनों में वो किसी की नहीं। यो यसमा चाहिँ हजुरको मलाई के अरे सहयोग चाहियो है। म जब यस्तो हातमाथि गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ काश वो मेरी हो जाए भन्नुपर्छ है, ल सब काश वो मेरी हो जाए। ल ल ओके ओके डन 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 ल ल कि सपनों में वो किसी की नहीं, हकीकत में मेरी हो जाए। कि सपनों में वो किसी की नहीं, हकीकत में मेरी हो जाए। जिसको माना है मैंने अपना, काश वो मेरी हो जाए। जो आने वाला था कभी,
जो आने वाला था कभी हो सके तो अभी आ जाए, जो आने वाला था कभी हो सके तो अभी आ जाए, मैं तो उसका हो चुका अब काश वो मेरी हो जाए। जो आते आते खो गया कहीं, जो आते आते खो गया कहीं, काश हम भी वहीं खो जाए। कि जो आते आते खो गया कहीं, काश हम भी वहीं खो जाए, उस अलग सी एक दुनिया में काश वो मेरी हो जाए। काश का जवाब अगर ना हो तो ना मुझे वो मंजूर होगा, काश का जवाब अगर ना हो तो ना मुझे वो मंजूर होगा, मांगी है दुआएं उसके लिए खुदा को दुआ सुनना होगा। कि काश का जवाब अगर ना हो तो ना मुझे वो मंजूर होगा, मांगी है दुआएं उसके लिए खुदा को दुआ सुनना होगा, और अगर कहीं ना सुने तो बात बहुत बढ़ जाएगी। कि और अगर कहीं ना सुने तो बात बहुत बढ़ जाएगी, तेरे लिए खुदा से मेरी जंग एक छिड़ जाएगी। उसके लिए जो भी मांगा काश वो कबूल हो जाए, कि उसके लिए जो भी मांगा काश वो कबूल हो जाए, इश्क की एक कहानी के लिए काश वो मेरी हो जाए। काश का एक संबंध है इश्क से मेरी सदियों से, कि काश का एक संबंध है इश्क से मेरी सदियों से, काश मेरी मोहब्बत से ये काश शब्द मिट जाए। मिट गया वो संबंध कहीं अब काश वो कभी ना आए, कि मिट गया वो संबंध कहीं अब काश वो कभी ना आए, दो दिन नहीं हमेशा के लिए काश वो मेरी हो जाए। जितने भी हमें लेने थे वचन वो सब हमने साथ में लिए, कि जितने भी हमें लेने थे वचन वो सब हमने साथ में लिए, एक समय था जब हम साथ थे कहीं मगर उसमें भी हम काश में जिए। काश का ये सिलसिला कभी तो खत्म हो जाए, कि काश का ये सिलसिला कभी तो खत्म हो जाए, थक गया आप सोचते सोचते काश वो मेरी हो जाए। आखिर दो लाइन है कि तुम्हारी दुआ मांगू तो वो कहते हैं तुम एक शायर हो, तुम्हारी दुआ मांगू तो वो कहते हैं तुम एक शायर हो, बस यही एक तमन्ना है ये शायर कभी आशिक भी हो जाए। लास्ट लाइन है, बहुत ही गंभीर लाइन है, कि काश में हूं अब तक जिया, जैसा सुनो जान ले अली, काश में हूं अब तक जिया इससे अच्छा मेरी मौत हो जाए। कि काश में हूं अब तक जिया इससे अच्छा मेरी मौत हो जाए, और इससे पहले की मौत आए काश वो मेरी हो जाए।